Hello and welcome to our maths lecture. This is day 4 of the 7th standard maths lecture. In previous lecture, we see the practice set 1, practice set 2 and practice set 3. In 3 practice set, we see the construction of the triangles. अभी तक हमने क्या देखे? Construction of the triangles देखे with the different measurement. Okay? तो अभी हम start करने वाले हमारा next practice set, that is practice set 4. अभी देखो कि फिर से हम क्या करेंगे? Question पढ़ेंगे. Construct ट्रायंगल्स, हमें ट्रायंगल्स कंस्ट्रक्ट करने ऑफ द मेजर्स की वर्ड मिलो कि जो मेजरमेंट हमें दिए गए. ओके, सबसे पहले कोई भी कंस्ट्रक्शन कर रहे हो तो आपके दिमाग में उसकी एक रफ फिगर आनी चाहिए. और अभी आप स्टार्ट ही कर रहे हो तो कंस्ट्रक्शन के, तो आपको क्या रफ फिगर पहले बना लो, तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, उसे फेयर फिगर अच्छी तरीके से कर सकते. ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, क्वेश्चन पढ़ के उसकी एक रफ फिगर बनाते. इन ट्रायंगल एसएटी, ट्रायंगल एसएटी में लेंथ ऑफ एट इज 6.4 सेंटीमीटर, मेजरमेंट ऑफ एंगल इज 45 डिग्री एंड मेजरमेंट ऑफ एंगल टी इज इक्वल टू 105 डिग्री. ओके, तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक रफ फिगर बनाएंगे. तो मैं यहाँ पे साइड पे क्या कर रही हूँ, रफ फिगर बना रही हूँ. ओके, क्या है एस ए टी, तो यहाँ पे नेमिंग क्या आएगी, एस ए टी. आप एस ए टी ऐसे लिखो, एस ए टी ऐसे लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं. ठीक है, अभी उसके बाद लेंथ ऑफ जो मेजरमेंट दी गई उसे हम क्या करेंगे, मेंशन करेंगे इन द रफ फिगर. लेंथ ए टी इज इक्वल टू 6.4 सेंटीमीटर. ए टी कहाँ पे लेंथ, ये लेंथ, तो ये क्या आएगी 6.4 सेंटीमीटर. तो यहाँ पे लिखे 6.4 से. देन नेक्स्ट वन, मेजरमेंट ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू 45. एम मतलब क्या, मेजरमेंट, मेजरमेंट ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू 45 डिग्री. एंगल ए कहाँ पे, यहाँ पे इन द ट्रायंगल, यस हियर, तो यहाँ पे लिखे 45 डिग्री. नेक्स्ट, मेजरमेंट ऑफ एंगल टी इज इक्वल टू 105 डिग्री. देन राइट डाउन 105 डिग्री. दिस इज अवर रफ फिगर, रफ फिगर. ओके, नाउ वी कंस्ट्रक्ट द फेयर फिगर. अभी हम क्या करेंगे, जो फेयर फिगर है उसे निकालेंगे बाय यूजिंग द रफ फिगर. ओके, अभी देखो मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ, रफ फिगर है और यहाँ पे हमारे सामने क्या है, हम यहाँ पे फेयर फिगर निकालें. ओके, अभी स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले जो बेस साइड होती है वो बेस साइड निकालेंगे, ए टी. ओके, 6.4 सेंटीमीटर, तो हम स्केल का यूज करके 6.4 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट का, ये देखो यहाँ पे क्या है, ये जीरो होता है, तो यहाँ पे मैं पॉइंट आउट करूँगी. ओके, उसके बाद 6.4 सेंटीमीटर मतलब 6 के आगे जो 4 लाइन है उसे काउंटिंग करूँगी, 6, उसके बाद 1, 2, 3, 4, तो यहाँ पे 4 के यहाँ पे पॉइंट आउट करो. ठीक है, पॉइंट आउट होने के बाद दोनों पॉइंट्स को क्या कीजिए, ज्वाइन कीजिए. बाई यूजिंग द स्केल हो गए. अभी जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है, ये पॉइंट, उस पर प्रोटेक्टर रख के, क्या करना है आपको, प्रोटेक्टर रख के. अभी देखो एंगल ए क्या है, 45 डिग्री. अभी देखो जैसे फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब भी आप लेफ्ट हैंड साइड को प्रोटेक्टर, मतलब ये लेंथ जो लाइन से है उसके लेफ्ट हैंड साइड को प्रोटेक्टर रखोगे, तो ये बीच के जो मिडल के जो आपके मेजरमेंट है उसे यूज़ करोगे. और जब राइट हैंड साइड को, मतलब लाइन सेगमेंट के राइट हैंड साइड को जब आप प्रोटेक्टर रखोगे, तो आपके ऊपर वाले मेजरमेंट आप क्या करोगे, यूज़ करोगे. ठीक है, अभी हम क्या कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड को, मतलब हम जो नीचे वाले मेजरमेंट है उसे यूज़ करेंगे. ठीक है, अभी एंगल टी क्या है, 45 डिग्री, तो यहाँ पे 45 देखते, ये देखो ये 40 है मिडल में. ओके, 40 के बाद ये ऊपर जाओ और 5 लाइन्स काउंटिंग करो, 1, 2, 3, 4, 5, तो यहाँ पे आएगा पॉइंट. ओके, पॉइंट आने के बाद जो हमारा ए पॉइंट है और इस पॉइंट को क्या कीजिए, ज्वाइन कीजिए. और आप लाइन एक्सटेंड कर सकते हो, क्योंकि क्या कि वहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट हमें मिलना चाहिए, तो मैं लाइन एक्सटेंड करके यहाँ पे क्या करी, उसे ज्वाइन करी. ठीक है, ये हो गया एंगल ए हो गया. उसके बाद हम राइट हैंड साइड के टी पॉइंट पे, ये देखो टी पॉइंट वो कितना है, 105, तो यहाँ पे रख के, पॉइंट पे रख के, अभी मुझे 105 निकालना. अभी मैं राइट हैंड साइड पे रख रही हूँ, तो मैं मेजरमेंट कौन से लूँगी, ये ऊपर वाले, कौन से ऊपर वाले, अभी देखो ऊपर वाले 100,
105 ना, तो 100 के बाद 5 लाइंस काउंटिंग करो, 1 2 3 4 5, तो ये 105 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे। ओके अभी उसे भी क्या करेंगे हम, जो हमारा टी पॉइंट से उससे क्या करेंगे जॉइन, और उसे भी एक्सटेंड करेंगे। देखो अभी दो जो लाइन्स है वो इंटरसेक्ट नहीं हो रही, तो ये लाइन में क्या करूँगी, बढ़ाऊंगी, उसे मैं बढ़ा रही हूँ। ओके बढ़ाने के बाद वहाँ पे मुझे क्या मिल गया, वहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट मिल गया, ये देखो इंटरसेक्शन पॉइंट। ओके तो अभी मैं इसे नेमिंग करूँगी, जैसे यहाँ पे एस, यहाँ पे ए और यहाँ पे टी, कौन सा, ये देखो ऊपर एस, यहाँ पे ए और यहाँ पे टी। एंगल ए कितना था, 45 डिग्री, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 45 डिग्री। एंगल टी कितना था, 105, तो यहाँ पे लिखेंगे 105। और लेंथ ऑफ ए टी क्या थी, 6.4 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिखेंगे 6.4 सेंटीमीटर। ओके समझ में आ रहा है क्या करनी, सबसे पहले आपको एक रफ फिगर निकालनी, रफ फिगर निकालने के बाद सबसे पहले बेस लाइन निकालो, उसके बाद जो एंगल्स होंगे एंगल्स निकालो, और फिर वहाँ पे लेंथ दी होगी तो लेंथ निकालो। ओके सेम तरीके से हमें क्या करना है, सेकेंड क्वेश्चन करना है। नाउ वी सी द सेकेंड क्वेश्चन, अभी हम क्या करने वाले हैं, जो सेकेंड क्वेश्चन है सेम तरीके से करना हमें वो करने वाले, ठीक है। अभी देखो क्या क्वेश्चन है, इन ट्राइंगल एम एंड पी, ट्राइंगल का नेम क्या है एम एंड पी, वहाँ पे लेंथ ऑफ एन पी 5.2 सेंटीमीटर, मेजरमेंट ऑफ एंगल एन इज इक्वल टू 70 डिग्री एंड मेजरमेंट ऑफ एंगल पी इज इक्वल टू 40 डिग्री हमें दिया गया है, तो हम इसे क्या करेंगे कंस्ट्रक्ट। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एक रफ फिगर, रफ फिगर नॉर्मली कोई भी मेजरमेंट के लीजिए, क्योंकि वहाँ पे उसकी रफ फिगर होती है इसीलिए, ठीक है। अभी क्या है एम एन पी, एम एन पी, ये आप नेमिंग कैसे दोगे, एम एन पी। ओके कैसे भी देख सकते हो, एक तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अभी सबसे पहले लेंथ ऑफ एन पी, एन पी की लेंथ क्या है 5.2 सेंटीमीटर, एन पी कहाँ पे, यहाँ पे, तो नीचे लिखो 5.2 सेंटीमीटर। उसके बाद मेजरमेंट ऑफ एंगल एन इज इक्वल टू 70 डिग्री, एंगल एन कहाँ पे, यहाँ पे, तो वहाँ पे लिखे 70 डिग्री। उसके बाद मेजरमेंट ऑफ एंगल पी क्या है 40 डिग्री, तो यहाँ पे लिखे 40 डिग्री, ठीक है। अभी ये क्या हो गई हमारी रफ फिगर, रफ फिगर। ओके अभी यही यूज करके हम क्या निकालेंगे, हमारी फेयर फिगर, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे फेयर फिगर में, यस हम सबसे पहले जो बेस्ट साइड है, बेस्ट साइड क्या है एन पी, वो निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अभी 5.2 सेंटीमीटर की बेस्ट साइड निकालूंगी, 5.2, देखो 0, पहले स्केल बहुत अच्छे तरीके से जो हमारी नोटबुक की लाइन है ना उसके ऊपर रख दीजिए, यहाँ पे 0 पॉइंट आउट कीजिए, और 5.2 मतलब 5 के आगे दो लाइंस 1 2, तो पॉइंट आउट कर दीजिए और उसे क्या कीजिए ज्वाइन कीजिए। ओके डन, अभी नेक्स्ट क्या बोला गया है, देखो अभी एन पी है तो यहाँ पे एन, यहाँ पे पी 5.2 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे लिखिए 5.2 सेंटीमीटर। नेक्स्ट देखो फिर से हम रफ फिगर देखते, एंगल एन क्या है 70 डिग्री, तो हम एंगल एन जो है हमारा एंगल एन है वो 70 डिग्री निकालेंगे। फिर से क्या कीजिए, प्रोटेक्टर रखिए वहाँ पे, जो मिडल की लाइन लाइन होती है 90 डिग्री को पॉइंट पे आनी चाहिए और ये लाइन स्ट्रेट की आनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद 70 डिग्री, 70 कहाँ पे, ये हम लेफ्ट हैंड साइड को रख रहे हैं, तो हम कौन से मेजरमेंट लेंगे, मिडल के जो बीच में है वो लेंगे। उसके बाद 70 उसकी लाइन के ऊपर, ये देखो 70 और ये जो स्ट्रेट लाइन जा रही है उसके ऊपर लीजिए और यहाँ पे पॉइंट आउट कीजिए। पॉइंट आउट करने के बाद उसे एन को और उस पॉइंट को ज्वाइन कीजिए, किया, ठीक है, वेरी गुड। अभी सेकेंड फिर से रफ फिगर देखते, एंगल पी, जो पी है वो क्या है 40 डिग्री, तो फिर से हम क्या करेंगे, जो पी है पॉइंट पी है वहाँ से क्या करेंगे 40 डिग्री का एंगल निकालेंगे। अभी हम क्या कर रहे हैं, राइट हैंड साइड के पॉइंट पे रख रहे, तो राइट हैंड साइड का पी, तो हम कौन से नंबर ये लेते, ये जो ऊपर वाले, कौन से ऊपर वाले, ठीक है। अभी 40 डिग्री, 40 डिग्री कहाँ पे आएगा, यहाँ पे, ये देखो 40, जब राइट हैंड साइड पे प्रोटेक्टर, राइट साइड पॉइंट पे हम प्रोटेक्टर रखते तो ऊपर के मेजरमेंट लेते, तो यहाँ पे आएगा 40
यहाँ पे, ठीक है। और उसे फिर से क्या करेंगे, हम ज्वाइन करेंगे बाय यूजिंग द स्केल। ये कीजिए पॉइंट और ये पॉइंट, डन। अभी देखो यहाँ पे नाम नेम क्या आएगा, एम। उसके बाद एंगल एन क्या है, 70 डिग्री। एंगल पी क्या है, 40 डिग्री। वेरी गुड। तो इस तरीके से हमने क्या किया, ये कंस्ट्रक्शन किया, ठीक है। अभी आपको सेम तरीके से जो थर्ड क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन है, उसे क्या करना है, होमवर्क करना है, ओके।